कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव टर्म्स, इसमें कितने सारे टर्म्स क्या है पॉजिटिव है, इच टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म देन द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म वह ए ले लेते हैं और कॉमन रेशियो को आर, कॉमन रेशियो को क्या ले लेते हैं जी, आर ले लेते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी टर्म, जैसे मान लीजिए इसका nth टर्म जो है किसके इक्वल होगा, सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म यानी कि n प्लस वन टर्म और n प्लस टू टर्म के सम के इक्वल होगा। तो इसका हो जाएगा ए आर का पावर n माइनस वन, इसका ए आर का पावर n और इसका हो जाएगा ए आर का पावर n प्लस वन। ए आर का पावर n माइनस वन है ना भाई, इधर से भी ए आर का पावर n माइनस वन कॉमन करते हैं, यहाँ पे r बच जाएगा और यहाँ पर r स्क्वायर, इससे ये पूरा कट जाएगा इधर वन, इसको उधर लेके जाते हैं तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू में जीरो। तो चलिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का तैयार निकालने के लिए, माइनस बी वन है प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में वन इंटू में माइनस वन और बाई में टू इंटू में वन। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो आर इक्वल टू में माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर वन प्लस का फोर और बाई में टू, यानी कि माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर फाइव और बाई में टू। तो यहाँ पे ऊपर जो है आपके पास क्या आ रहा था कि आर पॉजिटिव टर्म्स जो है पॉजिटिव है, तो टर्म्स जब पॉजिटिव है तो आर भी जीरो से ग्रेटर होगा, तो आर केवल इसमें प्लस वाला लेंगे, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, निगेटिव वाला छोड़ देंगे, यानी कि रूट अंडर फाइव माइनस वन बाई टू यही कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं रूट अंडर फाइव माइनस वन बाई टू, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।